जैसा कि आज का जो लेक्चर है वो है फ्रीजिंग से रिलेटेड, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? देखिए फ्रीजिंग पॉइंट में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, तो सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में मेल्ट होना है ना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्रीजिंग जस्ट अपोजिट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है ना। फ्रीजिंग क्या है? मेल्टिंग का अपोजिट। क्या दिया है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। कैसे? कूलिंग यानी कि रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग, ठीक है। कूलिंग, कूलिंग किया हमने तो, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग आर रिड्यूसिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। एंड द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग अकर्स, वो टेम्परेचर है ना, किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होगा ये। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? फिक्स है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट फिक्स था, बॉइलिंग पॉइंट हर सबस्टांस का अलग अलग फिक्स था, उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट भी हर सबस्टांस का फिक्स होगा, है ना। जैसे वाटर के लिए एग्जांपल आप देख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना, लिक्विड वाटर, क्योंकि हम लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, ठीक है। तो एग्जांपल में आपने वाटर का लिया है कि वाटर कैसे कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में, यानी कि आइस बन रही है, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग क्या है। अब इस चीज को हम डायग्राम के साथ देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। जैसे जनरली हर घरों में आइस ट्रे होता है ना, आइस ट्रे रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं आइस क्यूब बनाने के लिए, ठीक है ना, जो आप अपने पर्पज से यूज करते हैं, जहां पे उसका यूज होता है आइस का। वाटर लिक्विड फॉर्म में हमने आइस ट्रे में ले लिया, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में वाटर आइस ट्रे में ले लिया और उसको हमने क्या कर दिया, फ्रीज में रख दिया। इस आइस ट्रे को क्या रखा हमने? फ्रीज में, फ्रीजर में रख दिया है ना, फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रखने के बाद क्या होगा कि फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर काफी कम है, रेड्यूस्ड टेम्परेचर है, तो जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे आइस क्यूब बने हुए दिख रहे हैं आपको, आइस क्यूब्स है ना, आइस ट्रे में, ये आइस ट्रे है, ठीक है, आइस ट्रे, ये आपका आइस ट्रे है, ठीक है ना, आइस ट्रे। और आइस ट्रे में यहाँ पे वाटर आपने फिल किया और उसको फ्रीजर में डाल दिया। फ्रीजर में डालने के बाद आप देख रहे हैं, फ्रीजर में आपने डाला और फ्रीजर में डालने के बाद कूलिंग हुआ और वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो गया। तो क्या मतलब हुआ कि व्हेन वी आर गोइंग टू रिड्यूस द टेम्परेचर है ना, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड वाटर कम क्लोजर है ना। जैसे वो डायग्राम था आपका, तो उसमें क्या था आपका कि ज्यादा डेंस से वो कम डेंस की तरफ गया, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में गया साइड से। यहां पर क्या हो जाएगा कि ये आपका ज्यादा लिक्विड फॉर्म में था है ना, ये ज्यादा लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स जो है वो थे, तो ये दूर दूर थे, और ये जैसे ही सॉलिडिफाई हुआ है ना, कूलिंग किया गया, इसका कूलिंग किया गया, तो जो ये मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, पास पास है ना, पास पास आ जाएंगे, बिल्कुल एकदम डेंस है ना। यहां पर क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम क्लोजर, कम क्लोजर है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कम क्लोजर, ज्यादा नजदीक आ गए, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड यानी कि आइस फॉर्म, ठीक है ना, सॉलिड वाटर, और ये लिक्विड वाटर है,
लिक्विड वाटर है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये नॉर्मल वाटर है ना, नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ज्यादा जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वहां से नहीं के बराबर या कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चला गया, बहुत ही कम जो कि नहीं के बराबर है वहां पे चला गया, तो ये सॉलिडिफाई हो गया। यानी कैसे हुआ, कूलिंग करने के बाद हमने टेम्परेचर क्या किया है, रिड्यूस कर दिया, टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया। सो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे फ्रीजिंग हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है ना। आई होप सो यू हैव ऑल अंडरस्टैंड द पॉइंट्स रिलेटेड टू द फ्रीजिंग। फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you.